कहाँ हो गए मोदी जी? मोनू भैया को अरेस्ट कर लिया पुलिस, आशीष भैया को, ललिता मोनू भैया को अरेस्ट कर लिया पुलिस। एक कल युग आ गए मोदी जी एकदम। बीजेपी के लोग को भी अरेस्ट करेगा कोई? योगी जी तो वो बोले रहे वो दोषी, जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ेंगे। तो ये बीजेपी के लोग को काहे पकड़ रहा है? दोषी को पकड़ने चाहिए ना। तो ये बीजेपी के लोग को का अभी जो भी बीजेपी के नेता कोई कनऊ मर्डर पडर मारपीट करने होंगे तो कहूँ अफगानिस्तान में जाके करेगा कोई? अभी अभी इंडिया में ही कनऊ किसी को ही मारपीट भी नहीं सकता। हम तो आपको इस वजह से वोट दिया कि उन लोग का चूड़ी टाइट करोगे। आप तो ये मोनू भैया का ही चूड़ी टाइट करवा दिए। हम लोग का ही अभी हम अफगानिस्तान जाएंगे कोई? बताओ, हम तो डबल इंजन का सरकार बनवाए, ये डबल इंजन को हम पे चढ़ा रहे हैं। बताओ, बीजेपी का सरकार, बीजेपी का पुलिस, बीजेपी का सीएम, बीजेपी का पीएम, और जजू मोटरसाइकिल वाले, वो सब चीज बीजेपी का। फिर भी बीजेपी के लोग को ही पकड़ रहा है। हम तो शुरू में समझे आप ही मोनू भैया को पार करवा दिए, वो नेपाल भिजवा दिए। न्यूज आ रहे ना, वो नेपाल भग गए, तो हम खुश हो गए एकदम कि नेपाल चले गए। आप ही नेपाल भी नहीं भिजवाए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। शुरू में वैसे हम डरे नहीं थे जो अरेस्ट किए हैं। जब वो शुरू में अपना वो चाय नाश्ता आ रहा था ना, वो देखे मुँह 9-9, 10-10 बार उन चाय नाश्ता गए वो थाने में, तो हम समझ गए अपना बढ़िया मोनू भैया का बढ़िया खातिरदारी हो रहे हैं। हमको क्या पता था अरेस्ट कर लेंगे। इस सेकुलर लोग के चक्कर में आ रहे हो, ये जो ये टुकड़ा टुकड़ा ये एंटी नेशनल है ना, वो जो वो बॉलीवुड वो शाहरुख खान का जो बिटवा वो 6 ग्राम ड्रग में पकड़े गए हैं ना, तो ये हमारा ये 6 लोग को मार दिया ये मोनू भैया, तो वो बराबरी कर पा रहे हो, वो प्रेशर पड़ रहे होंगे ना। हम ही प्रेशर को वोट नहीं दिए, हम चूड़ी टाइट करवाने को वोट दिए हैं। अभी कनो ये बीजेपी का आदमी किसी को मार भी नहीं सकता, कनो लिंच करने होंगे कोई, पीटने होंगे ये चूड़ी बूढ़ी वाला अफगानिस्तान में जाके मारेंगे। कोनो भरोसा ही नहीं रह गए अपना। वो सुधीर चौधरी वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर के भेष में वो है एंकर, वो अपना वो कर दिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये लखीमपुर वाले पोस्टमार्टम डीएनए का रिपोर्ट भी बना दिए। इस वजह से हम डरे नहीं थे कि अपने डॉक्टर चौस साहब हैं, ये देखो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ये पुलिस देखे नहीं होंगे ये चौस साहब का जो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, डीएनए कर दिए। वो भी बता दिए कि ये जो ये कुचलने को बोल रहा है ना, वो खालिस्तानी रहे वो सब। लखीमपुर खीरी में इतने सारे सिख किसान आखिर कहाँ से आ गए? ये तो ऐसा इलाका है जहाँ सिख किसान है ही नहीं, तो ये सारे सिख किसान आखिर कहाँ से आए? आपने तस्वीरों में भी देख लिया हो कि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि असल में ये लोग किसान तो है ही नहीं, खालिस्तानी है वो सब। इन चौस साहब का ये न्यूज़ देख के ही ये जो मोनू भैया वो चढ़ाए होंगे ना वो गाड़ी, वो सुन के कि ये खालिस्तानी कहाँ से आ गए यहाँ, ये किसान नहीं है, ये सोच के ही गाड़ी चढ़ाए होंगे। तो पहले ही चौस साहब को पकड़ो, ही चौधरी जो है डॉक्टर, हमारे मोनू भैया को पकड़ लिए। ऐसा बड़का हमको लग रहे हैं पुलिस ही पक्का ही पुलिस ही सुधीर चौधरी का ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखे नहीं है, अभी देखेंगे। और वो बिंड का बोले वो बिंड के शीशे, बिंड स्क्रीन जो टूटे हैं ना, वो 5-6 लोग ही कुचल गए उसको तो देख रहा है। उस शीशा टूटे रहे गाड़ी का, कौन थार के शीशा टूटे रहे। सब बड़का एंकर सब बताए हैं। वो देखने वो फालतू में ही जो लोग देख रहा है ना, वो किसान मर गए किसान, शीशा नहीं देखे हैं अभी। सब एंकर लोग दिखाएगा, छूट जाएंगे हमारा ही मोनू भैया ये सब। जब अपना एंकर वो अपना रिपोर्टिंग करेंगे ना, जब ये टूटे शीशा का ये पूरा पोल खोलेंगे, ये पोस्टमार्टम, ये सुधीर चौधरी का डीएनए रिपोर्ट, वो देखे नहीं है अभी, छोड़ देंगे। जब वो देखेंगे छोड़ने पड़ेंगे। ये जो आप
कर दिए हो ना ये हमरे संग, पकड़वा दिए मोनू भैया को, हम तो इतना भरोसा किए अपना, ये अपना मोदी जी हैं, अपना योगी जी हैं, ये बीजेपी के लोग को ही पकड़ रहा है अब, देश में वो आ गए हैं का कौन है वो जो फालतू से चीज है उनका, उसका राज आ गए हैं का कानून कानून का राज आ गए हैं का वो आपके राज हैं, कानून आपके राज चलते हैं देश में, ऐसे ही कानून पानून के चलेंगे अब हम, बता रहे हैं मोदी जी ये ठीक नहीं हो रहे जो भी। पुलिस आ गए का वो हम वो पोस्टर चिपका दिए थे वो कौन रास्ता का नाम बदलने वाले, अभी आ रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, आ रहे हैं वो।